दिन दहाड़े गोली की आवाजों से दहला बागपत मामूली विवाद में चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग, वर्तमान ग्राम प्रधान के परिवार के लोगों पर हमला, दर्जनों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ग्राम प्रधान के जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, गुस्साए लोगों का कोतवाली पुलिस के खिलाफ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज तफ्तीश में जुटी बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गाँव की घटना। कोतवाली बागपत के निवाड़ा गाँव का मामला है, पूरी घटना क्या है? निवाड़ा गांव में जो थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर आज सुबह दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें एक व्यक्ति निसार, जिसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, उससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, तथा दूसरा व्यक्ति जो अंगूर करके है उसके पैर में चोट लगी हुई है और दो लोग उस पक्ष से और भी घायल हैं। इस संबंध में जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जाँच की, उसमें पता चला है कि दो दिन पहले स्विफ्ट गाड़ी को खड़ा करने को लेकर के दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, और फिर इसकी सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसको थाने को बताया गया था, चौकी इंचार्ज को बताया गया था। चौकी इंचार्ज ने इसमें 107-16 की तो कार्रवाई की, लेकिन उसको और भी गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसी चीज़ को लेकर के आज सुबह जब निसार अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर से निकला तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसको घेरा और फिर वहाँ पर हॉट टॉक शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। इतने दोनों पक्षों से लोग जुट गए और फिर आपस में ही इन लोगों ने मारपीट किया, वहाँ पर लाठी डंडों से मारपीट किया, और ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है। तो जो निसार था उसके सर पे चोट लगी, उससे वो वहीं पे गिर गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तहरीर प्राप्त हो गई है और अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मौके पर फोर्स लगा दी गई है, मेरे द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है, अभी वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और पोस्टमार्टम भी हो चुका है, अभी उसका क्रिमेशन बाकी है, तो हम लोग तुरंत उसमें फोर्स लगा करके क्रिमेशन करवा रहे हैं। और इसमें हमने जाँच CO स्तर से शुरू करवा दी है, अगर इसमें कोई पुलिसकर्मी भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।